अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं अभी यहाँ पे तेलंगाना गोदावरी खनी नूरानी मस्जिद के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे मस्जिद का काम जो है स्टार्ट है और यहाँ पे बहुत ही छोटी मस्जिद थी ये, और धीरे धीरे ये मस्जिद बड़ी होती गई और आप लोगों की वजह से जो जितने भी आवाम है उन लोगों ने ताउन किया और ताउन की वजह से धीरे धीरे ये मस्जिद बड़ी हो गई और अभी भी काम चालू है, इसमें काम चालू है और मैं आगे दिखाऊंगा यहाँ पे अंदर जाकर किस तरह कहाँ कहाँ काम चालू है, किस तरह ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे और जितने भी हमारे भाई देख रहे हैं सुन रहे हैं सभी लोग से गुजारिश है, आप पहले देख लीजिए मस्जिद, उसके बाद जो ताउन करना चाहे आपकी मर्ज़ी, आप अपने हैसियत के हिसाब से अल्लाह की राह में खर्च करें। तो नूरानी मस्जिद है, मैं मस्जिद का लोगो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ है और क्या है, नहीं है। तो ये मस्जिद का जो है गेट है, मेन गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नूरानी मस्जिद लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मेन गेट है, इसके अंदर से हम चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या बाकी है और क्या काम हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मस्जिद का जो मेन गेट है उसके बाजू से मस्जिद से सटी हुई वजू खाना है, आप देख सकते हैं ये वजू खाना है यहाँ पे, वजू खाना निकल जाता। तो ये वजू खाना निकलेगा ना, वही तो मैं पूछ रहा था। तो ये वजू खाना अभी निकल जाएगा, अभी न्यू वजू खाना और बैतुल खला जो है अलग बन रही है, तो मैं दिखाऊँगा वहाँ पर। ये देखिए ये इस तरह, ये बाहर का हिस्सा है, मस्जिद के बाजू से वजू खाना बना हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह का ये है। और मस्जिद का मेन जो है हिस्सा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये वजू खाना है और मैं आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए ये यहाँ पे मस्जिद जो है यहाँ पे यहीं तक थी, बाकी यहाँ पे जो है इस तरह यहाँ पे मस्जिद इस तरह फैलाई गई और ये काम बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हुआ। मैं यहाँ पर देख रहा था, मेरे सामने ही ये सारा चीज़ स्टार्ट हुआ और कंप्लीट होने को आया। बस आप लोग देख सकते हो, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके। तो ये मस्जिद का मेन हिस्सा है, मस्जिद का मेन हिस्सा है, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए ये मेन मस्जिद का जो स्टार्ट हुआ था यहीं से, और अभी माशाल्लाह सुभानअल्लाह अभी जो इसका काम है बहुत ही फास्ट हो रहा है और ये दूसरी हिस्सा की तरफ बनने को तैयार है। ये देखिए पीछे की तरफ, और इसके साइड से जो है बैतुल खला वजू खाना नया स्टार्ट हो रहा है, यानी नया बनाया जा रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। ये सारा रेती है यहाँ पे, ये सब लाया हुआ है और काम स्टार्ट है, शाम का वक्त है। हाँ देखिए यहाँ पे ये न्यू स्टार्ट है काम, ये देखिए ये वजू खाना ये तैयार है और इसका काम स्टार्ट है, सारा सामान मटेरियल आ गया हुआ है, काम स्टार्ट करना है, बस थोड़ा बहुत कमी है, ये एंड पोजीशन पे है, लास्ट है, थोड़ा बहुत कमी है जो दूर करना है। बस आप तमाम लोगों से ये गुजारिश अपील करूँगा, आप लोग जितना हो सके इस मस्जिद के लिए तामीर करें और दीनो सुन्नियत का काम करें। ये देख सकते हैं ये यहाँ पे टॉयलेट का है, सारा चीज़ न्यू बन रहा है और न्यू काम स्टार्ट है यहाँ पे, ये पहले नहीं था ये सब, मगर अब स्टार्ट कर दिया गया है। और ये पूरा समझिए एक दो महीने के अंदर काम कंप्लीट पूरा कर दिया जाएगा, बस आप लोगों की ताउन की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ से तकरीबन कम 8-10
लेटरिन की सुविधा दिया गया है और वजू खाना इसी के अंदर, गुस्ल खाना भी है यहाँ पे, यह गुस्ल खाना भी है, तहारत खाना, बैतुल खला सारा इंतज़ाम है इसके अंदर और काम स्टार्ट है माशाल्लाह। ये देखिए, तो बस आप लोगों से गुजारिश अपील यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप अल्लाह के राह में खर्च करें और अपने हैसियत से और इसाले सवाब के तौर पे खर्च करें। अपने माँ बाप जो भी मतलब दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए हैं, उनके इसाले सवाब के लिए आप लोग खर्च करें जितना बन सके। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सलामत रखे और तमाम लोगों के रिज़्क में बरकत दे और जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन परेशान हाल है उनको परेशानियों को दूर करे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आइए आप बात करेंगे नूरानी मस्जिद के इमाम साहब से और मुतमन साहब से और सदर साहब से और यहाँ के जो अजान देते हैं मुअज्जिन साहब है उनसे मैं बात करूँगा और यहाँ पर मैं पूछूँगा यहाँ पर मतलब तामीरी मस्जिद का जो काम चालू है और किस तरह काम हो रहा है और कैसा लास्ट पोजीशन इसका काम है। मैं वीडियो में दिखाया आप लोगों को, ये लास्ट है और आप लोगों से जो भी बन सके, ये नहीं है कि आप लोग इतना दीजिए, जो भी बन सके अल्लाह की राह में खर्च करें। और आइए मैं बात करता हूँ इन लोगों से। तो इमाम साहब इस मस्जिद के बारे में बताएं और यहाँ जो तामीर मस्जिद का जो काम चालू है उसके ताल्लुक से आप कुछ बताएं। ये नूरानी मस्जिद गांधी नगर पड़ता है। आप हजरात से मेरी गुजारिश यही है कि हम लोग बड़े जद्दोजहद के साथ सुन्नियत का काम यहाँ करते हैं, इसलिए तामीरी काम पहले बहुत छोटी मस्जिद थी, उसको बाद फिर बढ़ाया गया, अब तीसरी मर्तबा बढ़ा कर आगे बढ़ाया गया क्योंकि वजू खाना और तहारत खाना नहीं थे और मस्जिद भी छोटी हो गई थी, पब्लिक ज़्यादा होने की वजह से, हमारी मस्जिद बहुत छोटी होने की वजह से मस्जिद को तामीरी काम ज़्यादा करने के काम से हम लोग आगे बढ़े हैं। जहाँ तक अब तक तो बहुत सारे काम हो चुका है मगर कुछ काम बाकी रह गया है, जिसकी वजह से आप हजरात से मेरी गुजारिश यही है कि आप हजरात से जहाँ तक बन सके और जहाँ तक बन सके और जहाँ तक आप लोग मदद कर सकते हैं बराए मेहरबानी अगर करेंगे तो सुन्नियत का काम यानी हमेशा कायम और दायम रहेगा। इसलिए दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक की उम्र में, हर एक के कारोबार में बेपनाह अल्लाह तबारक व तआला तौबियत बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और हर एक की उम्र में दराज की अता फरमाए। तो आइए अब बात करेंगे सदर साहब से और सदर साहब बताएंगे मस्जिद के ताल्लुक से और यहां पे जो तामीर मस्जिद चालू है इनके ताल्लुक से बात करेंगे। तो सदर साहब आप बताएं किस तरह यह काम चालू है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नूरानी मस्जिद तेलंगाना पेद्दपल्ली डिस्ट्रिक्ट में गोदारी खाने गांधी नगर में है। ये मस्जिद की तामीर हो रही है। ऑलरेडी ये मस्जिद छोटी है, ये मस्जिद को 36 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी बनाया गया है। उसके पीछे वजू खाना एक 20 फीट चौड़ा 30 फीट लंबा वजू खाना बनाया गया है। इसका पूरा इस्टीमेट है 25 लाख रुपये का। तकरीबन काम हो चुका है और थोड़ा काम बाकी है। इस ताउन के लिए आप सबसे ताउन के लिए आप सबसे मदद मांगते हैं, लिहाजा आप लोग इस मस्जिद की ताउन करें। चलिए ठीक है, सदर साहब से बात हो गई, मोहतमद साहब से बात करते हैं यहाँ पे क्या मस्जिद की तामीर किस तरह हो रही है, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमेटी की तरफ से मैं सबको शुक्रगुजार करता हूँ। मैं आप सब जितने भी गोदार खरीद के मुस्तल जितने भी लोग तामीर करे हैं अल्लाह का शुक्रगुजार है। हम पूरा काम करीब हो चुका है और थोड़ा फर्श बिछाने के लिए थोड़ा कुछ पैसे कम ज़्यादा हो रहे हैं, उसके बारे में कोई अगर तामीर करे तो अल्लाह ताला आपको इससे भी दुगनी रकम देगा। आमीन आमीन। और दरवाजे का काम भी होने का है, दरवाजे का भी अगर कोई देने चाहे तो जल्दी से वो काम भी होगा, अल्लाह ताला उससे भी आपको बहुत देगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मस्जिद नूरानी मस्जिद और तेलंगाना गोदावरी खनी में है। ये तेलंगाना हैदराबाद और नूरानी मस्जिद अहले सुन्नत वाल जमात का है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फ्रंट का और बैक का जो साइड एप्स पे दिया गया है और इसमें काम जो है बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है और इसमें काम बहुत फास्ट हुआ है। इतना जल्दी कहीं पे इतना जल्दी फास्ट काम भी नहीं होता है। यहाँ पे जो सदर सेक्रेटरी है ये सारे लोग अच्छे हैं और एकदम फास्ट काम करा रहे हैं।
तो आप लोग इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और इनसे रابطہ भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे दिया जा रहा है, स्कैन है, UPI नंबर है और बैंक अकाउंट नंबर है, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया जा रहा है आपको। आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कीजिए, बात कीजिए, फिर आपको जितना बन सके आप उनसे डायरेक्टली आप करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सलामत रखे और रिज्क और अमल में बरकत दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन।